और ये रहा 1 2 3। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फयाज और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल द FM व्लॉग्स। और जैसे कि आप देख सक रहे हैं मेरा हाथ में है राइफल। सो ये भी मेरा एक शौक है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, तो कुछ डिटेल्स कुछ इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। हमेशा से मेरा शौक रहा है गन्स को लेकर, राइफल्स को लेकर। मैंने बहुत सारा वीडियोस देखा है, बहुत सारा शॉप्स और दुकान भी मैंने चेकआउट किया है। सो लास्ट फ्यू डेज में आई वॉज जस्ट चेकिंग अबाउट दिस राइफल। ये है राइफल M150 1.077 mm। सो जी नहीं, इसके लिए लाइसेंस नहीं लगता है। इसके एक स्टेप अगर आप ऊपर जाते तो उसके लिए लाइसेंस लगता है, बट या दिस इज अ शॉर्ट गन एंड एयर गन। नॉर्मली देखिए एयर गन तो हम लोग बहुत शॉर्ट करते हैं, जैसे कोई भी मेला में या कहीं पर भी जाते हैं तो वो बलून वाला रहता है और वो भी एयर गन ही रहता है, बट इसका क्वालिटी और इसका वेट और हाइट ज़्यादा है, तो वो बेसिक क्वालिटी का एयर गन आता है और ये है थोड़ा प्रीमियम क्वालिटी का एयर गन जिसका हाइट वेट बहुत ही ज़्यादा होता है। इसे ओपन बाहर नहीं ले जा सकते हैं, यू हैव टू ऑलवेज कैरी द प्रॉपर रिसीट, द प्रॉपर बिल जो आप एफिलिएटेड जो शॉप होता है वहाँ से ही लेंगे और वही रिसीट कैरी करेंगे, देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या सही तरीका है एक एयरगन को लोड करने का और उसको शूट करने का। ये बहुत ही एक्सप्लोर करने के बाद ये मैंने सीखा है, चलिए आप लोगों को भी बताता हूँ ये कैसे होता है। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि इसका वेट बहुत ज़्यादा है, 7.5 केजी के मुताबिक है, तो इसके लोड करना और इसे शूट करने को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा और करना पड़ेगा, नहीं तो इससे चोट भी लग सकती है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि पहले इसे लोड कैसे करते हैं। हमेशा ऐसे भारी गन को सबसे पहले दोनों टांगों के बीच में ऐसे रखेंगे, बीच में रख के सबसे पहला स्टेप ये रहा, हल्का से हम लोग बीच में हिट करेंगे। तो ये जैसे हिट किया हम लोगों ने, ये आधा खुला है, ये लोड नहीं हुआ है। नाउ दिस इज़ द टाइम व्हेन यू गो अहेड एंड पुट द बुलेट। सो ऐसा हिट करने के बाद सेम पोजीशन में रहेंगे। इस पोजीशन में क्यों रहेंगे? इसलिए रहेंगे कि इस पोजीशन में आपको मूव करने में भी इजी होगा, ठीक है। सो जैसे कि मेरा अभी बुलेट दूर में है तो मैं क्या करूँगा, अभी जाऊँगा बुलेट लेने के लिए। सो दिस इज़ द बुलेट। तो ये बुलेट एक मैंने लिया यहाँ पर, अब देखिए इसको मैं कैसे डालता हूँ। इसको बीच में इंसर्ट करने के बाद दिखा सामने, हाँ ये इस तरीके से मैंने इंसर्ट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, यू नीड टू इंश्योर कि आपका हाथ कभी भी ट्रिगर में ना हो। सो अब आप गन को ऐसे टेढ़ा करेंगे। आप नॉर्मली ऐसे करके ऐसे भी तोड़ सकते हैं, लेकिन ये अगर मिस हो जाएगा तो मुंह पे या हाथ पे लगने का चांसेस है। तो इसको आप साइड टायर में रखेंगे, इसको पकड़ के क्रैक करेंगे। जब पूरा अंदर आ जाएगा मतलब स्प्रिंग रेडी हो चुका है। अब आप वापस से सेम पोजीशन पे जाएंगे और इसको उठाकर हल्का हल्का पुश करेंगे, अब ये लोड हो चुका है। नाउ द फर्स्ट थिंग इज यू विल नेवर एवर पुट योर फिंगर ऑन द ट्रिगर, ठीक है। कभी भी ट्रिगर में फिंगर नहीं रखना है। सबसे पहले यू नीड टू एम, और आपका देख लीजिए फिंगर पोजीशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस शुड ऑलवेज बी द फिंगर पोजीशन, और आपके कंधे पर इसका बेस हो, इस यहाँ कंधे पर हो। अब आप जैसे एम कर रहे हैं, मैं बस हवा में चला रहा हूँ, मैं कहीं पर एम नहीं कर रहा हूँ, बस आपको बताने के लिए बोल रहा हूँ। ये देख लीजिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं समझ लीजिए वहाँ पर कुछ है जिस पर आपको एम करना है और आप एम कर रहे हैं। नाउ इस गन में एक खासियत है कि आप तीन तरीके से भी एम कर सकते हैं। इसके थ्रू से जाके वो तीन एमर आपको यहाँ पर दिया हुआ, सेट किया हुआ है, आप एम कर सकते हैं उसको। तो मैं फ़िलहाल इसको भी बंद कर लेता हूँ नॉर्मली, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। नाउ अब देख लीजिए मेरा फिंगर पोजिशन, दिस इज़ माई फिंगर पोजिशन। अभी भी मैंने ट्रिगर पर हाथ नहीं दिया, मैंने एम कर लिया
अब मैं जाऊंगा, क्योंकि मैं अब रेडी हूँ शॉट लेने के लिए, ठीक है। अब मैं जाऊंगा, उंगली रखूंगा ट्रिगर की तरफ। हाँ पीछे आ जाओ, ट्रिगर की तरफ उंगली रखा और मैंने एम किया और 1 2 3 शूट। सो दिस इज हाउ यू शूट एन एयर गन। मैंने कोई भी चीज़ पर या किसी चीज़ को एम नहीं किया, जस्ट मैंने हवा में शूट किया इसको। अब इसको एक बार जब आप शूट कर देंगे, वापस से खोलेंगे और इसको हल्का से एक फूंक मार देंगे, तो जितना भी अंदर धूला है या कुछ भी है वो निकल जाएगा। अब ये एक अलग सा चीज़ है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। सो दिस इज़ कॉल्ड अ साउंड कैप। अब साउंड कैप का क्या काम है, चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि साउंड कैप का क्या काम है, चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। नॉर्मली जैसे हम लोग बुलेट लोड करते हैं, वैसे ही बुलेट लोड करेंगे। तो ये रहा, हो गया बुलेट लोड। अब आते हैं इसको, स्प्रिंग हम लोगों ने टाइट कर लिया, वापस से आते हैं। नाउ माय गन इज लोडेड, प्लीज ट्रिगर में हाथ नहीं देना। अब आइए दिखाते हैं साउंड कैप का क्या काम है। सो दिस इज द साउंड कैप। ये एक मजे वाला चीज है, चलिए दिखाते हैं। अब साउंड कैप को कुछ नहीं करना है, लोडेड गन के बीच में एकदम मुंह में इसको फिक्स कर देना, जैसे कि मैंने अभी किया, ठीक है। अब देखिए असल मजा, मैं किसी चीज पर टारगेट नहीं कर रहा, अच्छा मैं हवा में चला रहा हूँ, ठीक है। और ये रहा 1 2 3। सो दिस वॉज द साउंड ऑफ द साउंड कैप। सो ये पूरा ओरिजिनल गन की तरह, सो अभी जस्ट मैंने शूट किया था तो पूरा आवाज़ इतना गूंज गया था, बड़ा शूट कर रही थी तो फिर उसको वो अचानक से बहट गया, तो ठीक तरीके से मैं आपको दिखा नहीं पाया, क्योंकि वो आजू बाजू सब लोग देखने लगे कि क्या हो गया भाई। सो दिस इज़ वॉट अ साउंड कैप डज। ये एक अलग ही फील है। सो जिन्हें बहुत शौक है गन्स का, राइफल्स का, सो दिस इज़ द परफेक्ट थिंग विच यू कैन गो फॉर। सो अब मैं आप लोगों को जस्ट ज़रा सा इसके डिटेल्स बता देता हूँ कि मैंने कहाँ से लिया, कैसे लिया, बहुत बहुत ब्रीफ तरीके से बता देता हूँ। बाकी मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। सो बीबी गांगुली स्ट्रीट जो कोलकाता में है, वहाँ पर एक बहुत ही अफिलिएटेड शॉप है, बहुत ही पुराना और एकदम लाइसेंस्ड शॉप है, और ऑल ओवर इंडिया से वहाँ पर ऑर्डर्स आते हैं इस गन्स के लिए, राइफल्स के लिए। वहाँ पर इम्पोर्टेड गन्स भी मिलते हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया। मतलब मेरे पास उतना बजट नहीं था, बट लेकिन इन फ्यूचर इफ़ पॉसिबल तो मैं वो ज़रूर लूँगा। तो वहाँ पर से आप ले सकते हैं बीबी गांगुली स्ट्रीट में। और जो डिटेल्स है, भैया का नाम जो है मोहित नाम है उनका, उनका नाम, फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, डिटेल्स सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, यू कैन ऑलवेज कॉल। बहुत ही पैशनेट है वो बंदा, दैट गाय इज़ वेरी वेरी मच पैशनेट अबाउट गन्स एंड वेपन्स। सो उन्हीं ने मुझे बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से बताया इसको कैसे करते नहीं करते। सो दिस इज़ द ओवरऑल व्यू ऑफ दिस M150 1.077 mm। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर योर कमेंट्स ऑन द कमेंट सेक्शन, और मुझे और मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार दे लाइक्स के तहत। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। फयाज मामसा साइनिंग ऑफ, टेक केयर।